अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा लेक्चर है वो है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस के बारे में। यहाँ पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस ये थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक कंप्लीट चैप्टर है जो कि आपके थेरापेटिक एक्सरसाइज की बुक में और आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे हम रेंज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन, देन हाउ टू मेजर रेंज ऑफ मोशन, देन फंक्शनल एक्सर्शन क्या है एंड टाइप्स क्या होती हैं रेंज ऑफ मोशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। रेंज ऑफ मोशन जो है ना हमारे पास, ये एक बेसिक टेक्निक है फिजियोथेरेपी में। बिकॉज आपने देखा होगा कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, उसे कुछ भी ना आता हो बट उसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आती होंगी, बिकॉज ये सबसे बेसिक हैं। सबसे पहले हम लोग यही पेशेंट को कराते हैं, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके को और दो पर्पज होते हैं जिसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो इसको हम यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए मूवमेंट को, ठीक है। बॉडी में कोई भी मूवमेंट एग्जामिन करनी हो, यानी कि कोई मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है या कुछ भी है उसको एग्जामिन करना है, तो हमने उसके लिए रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करनी है। नेक्स्ट हम थेरापेटिक एक्सरसाइज के लिए भी यूज़ करते हैं। थेरापेटिक लाइक आपने कहीं पे स्ट्रेचिंग करानी है या मोबिलाइजेशन करानी है कुछ भी, तो उसके लिए आप रेंज ज़रूर कराते हैं थेरापेटिक एक्सरसाइज के लिए। अब नाउ रेंज ऑफ मोशन होती क्या है, एक यानी कि एक जॉइंट है उस पर फुल रेंज पॉसिबल, बॉडी का कोई भी सेगमेंट है, ठीक है, उसमें जो फुल रेंज पॉसिबल होगी ना उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ मोशन, फुल रेंज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर्स हैं, ठीक है। फिंगर्स में अगर मैं यहाँ पे एबडक्शन एडक्शन करती हूँ, ठीक है, या उसके अलावा फ्लेक्शन करती हूँ एंड देन एक्सटेंशन करती हूँ, या सिंगल जॉइंट पे मैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन करती हूँ, तो ये जितनी मेरी रेंज है ना पॉसिबल, जितनी रेंज है, ठीक है, एबडक्शन एडक्शन में या ये ऑपोजिशन कर रही हूँ, तो इसमें जितनी मेरी पॉसिबल रेंज है ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। कोई किसी भी बॉडी सेगमेंट में फुल रेंज जितनी पॉसिबल होगी उसको कहेंगे हम रेंज ऑफ मोशन। अब इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसको हम कहते हैं गोनियोमीटर, गोनियोमीटर। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है गोनियोमीटर। नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे आपको एक गोनियोमीटर दिखाया गया है। ये अगर आप देखिए इस तरह, ये हमारे पास डिवाइस होता है जिसको हम रेंज ऑफ मोशन चेक करने के लिए, रेंजेस चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको एक सेंट्रल पार्ट मिलेगा इस पर, जिसपे एंगल्स लिखे होते हैं, डिग्रीज लिखी होती हैं, ठीक है, मोशन के लिए। एंड देन आप इसके पास इसकी आर्म्स होती हैं। एक जो अगर हम यहाँ पर नी का चेक कर रहे हैं, ठीक है, नी की रेंज ऑफ मोशन चेक कर रहे हैं एक्सटेंशन में करें या फ्लेक्शन में, अगर फ्लेक्शन में करेंगे, फ्लेक्शन रेंज चेक करेंगे तो उसे प्रोन में, यानी कि प्रोन लाइन में उसे पोजिशन देंगे और उसके अलावा हम चेक कर लेंगे, ठीक है। इसकी एक काम जो है इसकी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक काम इसकी लेटर मेल्यूलस की तरफ जाएगी एंड सेकंड आम जो इसकी है ये जाएगी ग्रेटर ट्रोकेंडर की तरफ, ठीक है। फिर हम उसको कहते हैं लेग को, वहाँ पे स्ट्रेट पड़ी थी ना, स्ट्रेट लेग पे ये ऐसे इस तरह से प्लेस करते हैं। फिर जब हम इसको चेक करने लगेंगे तो उसकी मूवमेंट कराएंगे, मूवमेंट हम इसी तरह कराएंगे, ये फुल यहाँ से यानी कि स्ट्रेट से यहाँ से मूव करके आया है यहाँ तक, तो इस रेंज तक हम इसका यहाँ पे ये जो एंगल बना है, डिग्रीज मूवमेंट आई है, ये हम यहाँ पे ये इस पर दी हुई हैं, ठीक है, ग्रेड, तो ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस पर चेक करके हमें पता चल जाता है कि कितने डिग्री इसकी रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है। इस तरह हम बॉडी का कोई भी जॉइंट है उस पर हम गोनियोमीटर से चेक कर सकते हैं कि कितनी रेंज है। सो जिस तरह शोल्डर पे है 180 डिग्री एबडक्शन होती है, 180 डिग्री फ्लेक्शन होती है, तो ये हम इसी तरह गोनियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी फंक्शनल एक्सर्शन क्या है, फंक्शनल एक्सटेंशन ना, ये एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। डिस्टेंस किस चीज़ का होता है, एक मसल जब अपनी मैक्सिमली लेंथन पोजिशन से, यानी कि मैक्सिमली लेंथन है मसल, वहाँ से जब वो शॉर्टन होगा, पॉसिबल जितनी शॉर्टनिंग होगी, जितना कैपेबल होगा मसल शॉर्ट होने के, उसको हम कहते हैं इसकी फंक्शनल एक्सटेंशन, पॉसिबल शॉर्टनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये मैं फिंगर की एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मसल हैं, ठीक है, फिंगर के फ्लेक्सर, तो ये अभी फिंगर पे एक्सटेंशन है, तो ये मैक्सिमली लेंथ है ना मसल। तब जब मैं इसको ये फ्लेक्शन करूँगी तो जितना ये शॉर्ट होगा ना, शॉर्ट होते हुए जहाँ तक ये डिस्टेंस कवर करेगा, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फंक्शनल एक्सकर्शन, यानी मसल पर इतना फ़र्क हुआ है, इतना इसने डिस्टेंस कवर किया है। देन हमारे पास आती है इसकी, यहाँ पे हमने डेफिनेशन भी देख ली इसकी, ठीक है, मेजरमेंट भी देख ली, फंक्शनल एक्सकर्शन भी देख ली। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स। टाइप्स जो हैं हमारे पास ROM की, ये हमारे पास होती हैं डिफरेंट, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास जो इसकी आती है वो है हमारे पास एक्टिव ROM, एक्टिव ROM। इसमें एक्टिव ROM में जो है ना, पेशेंट अपने मसल्स को खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जैसे मैं मूव कर रही हूँ, ये एबडक्शन एडक्शन हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है फिंगर्स पे, ठीक है, कोई भी मूवमेंट है जो कि एक्टिवली मतलब परफॉर्म करेगा, उसको मसल्स खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी, उसको हम कहेंगे एक्टिव। देन सेकेंड हमारे पास आती है ये फर्स्ट थी, सेकेंड हमारे पास आती है पैसिव, पैसिव ROM। पैसिव ROM ना, यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पे बंदा जो है ना वो खुद से नहीं परफॉर्म कर सकता, कोई भी पेशेंट है, कोई भी है, ठीक है, वो खुद से अपने बॉडी के सेगमेंट को मूव नहीं कर सकेगा, उसके मसल जो है एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो कोई भी पैसिव हम उस एक्सटर्नल फोर्स दे सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्स वाया कोई थेरेपिस्ट हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा कोई मशीन हो सकती है, या फिर कोई अदर हैंड, किसी और का हैंड भी हो सकता है, या आपका अपना हैंड भी हो सकता है, दूसरा हैंड आप यूज़ करके उसे पैसिव करा सकते हो, एक सेगमेंट पे, बॉडी के सेगमेंट पे पैसिव मूवमेंट करा सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, वो है हमारे पास एक्टिव असिस्टिव। एक्टिव असिस्टेड में क्या होता है, यहाँ पे ना एक तो हम रेंज जो कर रहे होते हैं ना मसल में, ये एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्टिवली आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इसके साथ हम ऐड कर देते हैं असिस्टेंट, असिस्टेंस कोई भी ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने पहले की थी फ्लेक्शन की थी, तो आप उस बंदे की ना जो जो भी पेशेंट कर रहे हैं उसके मसल इतने वीक हैं कि वो खुद से सही से नहीं कर रहा बट सही से नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे थोड़ी सी असिस्टेंट दे दूँगी, ठीक है, थोड़ी सी हेल्प कर दूँगी उसकी, यहाँ से सपोर्ट दे दूँगी और वो खुद मूव करेगा, ये हमारे पास है एक्टिव असिस्टेंट। अब हम जो यहाँ पे पैसिव है ना ये वाली, इसकी हम डिटेल देखते हैं कि पैसिव रेंज ऑफ मोशन के गोल्स क्या हैं हमारे पास, ठीक है, इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे। आप अब यहाँ पे इंडिकेशन देखते हैं, इंडिकेशन में ना हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन की इंडिकेशन, ठीक है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट इंडिकेशन जो है, फर्स्ट यहाँ सबसे पहले देखिए, आप पैसिव रेंज ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स आप कब अप्लाई करते हैं, जब वो खुद अनएबल होता है पेशेंट मूव करने के, ठीक है, अनएबल टू मूव, ठीक है, आप अनएबल टू मूव होंगे तब हम पैसिव कराएंगे। फॉर एग्जांपल अनएबल टू मूव कौन से पेशेंट होंगे, वो होंगे जो कि यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कोमाटोस, ठीक है, जिन जो कोमा में है वो पेशेंट, वो खुद मूव नहीं कर सकते, तो हम उनको पैसिवली मूव करते हैं उनकी बॉडी के सेगमेंट को। देन हमारे पास होते हैं पैरालाइज्ड, इसके अलावा वो जो बेड रेस्ट पे हैं, बेड रेस्ट पे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी जिनको मूव करने की परमिशन नहीं है, जिनकी रिसेंट कोई सर्जरी हुई है या रिसेंटली कोई ट्रॉमा हुआ है, जो मूव नहीं कर सकते बॉडी के सेगमेंट, तो इनको हम कराते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट इसका जो है इंडिकेशन, सेकंड इंडिकेशन पैसिव रेंज ऑफ मोशन की, वो ये है एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बॉडी के किसी भी पार्ट पे इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है जहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेम्ड है पार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्टिव कराएंगे तो हीलिंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगी, तो हीलिंग यहाँ पे अच्छी हो इस वजह से हम यहाँ पे पैसिव करा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसके गोल्स, पैसिव रेंज ऑफ मोशन के गोल्स, गोल में ना आप याद रखो यहाँ पे
एक निमोनिक मैंने बनाया है, अगर आपको अच्छा लगे ठीक है, यहाँ ईजी हो आपके लिए तो आप इससे कर लो, अदरवाइज़ आपको जैसे याद होते हैं आप वैसे ही कर लो इसके गोल्स। MS हमाद, हमाद में मैंने M जो है वो डबल यूज़ किया है ठीक है। ये आपके हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ठीक है, 8 इसके गोल्स हैं। सो फर्स्ट इसका जो है M है ना, यहाँ से आप याद रखो मोबिलिटी, कैसे काम कराते हैं ताकि वहाँ पे उस रीजन में जो बॉडी का सेगमेंट है इनएक्टिव ना हो जाए, वो मोबाइल रहे, तो मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं। ये इसका फर्स्ट गोल है ताकि वहाँ पे हम मोबिलिटी मेंटेन कर सकें। सेकंड जो है एस है ना, वो है साइनोवियल मूवमेंट, साइनोवियल मूवमेंट जॉइंट्स में साइनोवियल फ्लूइड होता है, आपने देखा होगा ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड अगर वो पूरे जॉइंट में मूव करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मूव करते हैं तो जॉइंट को न्यूट्रिशन मिलती है। अगर आप साइनोवियल फ्लूइड जो है ये मूव नहीं कर रहा है, एक जगह पे यानी कि जम गया, फ्रोजन हो गया, तो मूव वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और स्टिफनेस होगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बाइक को देख लें, बाइक जो होती है ना सारी रात अगर विंटर में एक ही जगह पर हो, तो जब सुबह एक बाइक ड्राइवर होता है वो उसको थोड़ी देर के लिए स्टार्ट करके छोड़ देता है ताकि उसका जो पेट्रोल होता है ना वो मूव कर जाए, मूव करेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो ख़त्म होगी और बाइक चलना स्टार्ट हो जाएगी, अदरवाइज़ बाइक को स्टार्ट करने में मुश्किल होती है। तो सेम ऐसे हमारे जॉइंट्स हैं, जब वो इनएक्टिव रहते हैं ना बहुत देर के लिए, तो जहाँ पे जैसे बाइक में पेट्रोल होता है ना, वैसे हमारे जॉइंट्स में भी साइनोवियल फ्लूइड होता है, अगर वो मूव ना करे वहाँ पे एक ही जगह पे जम जाए तो रिस्ट्रिक्ट कर देगा जॉइंट को, वहाँ पे स्टिफनेस हो जाएगी। तो इसको कम करने के लिए हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं। थर्ड हमारा आता है एम भी हो गया, एस भी हो गया, अब एच। इस एच से ना हमने हेल्प करनी है, हेल्प किस में करनी है, अवेयरनेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट को मूवमेंट की अवेयरनेस रहे ठीक है, इसमें हमने हेल्प करनी है। या यहाँ पे आपका एच भी हो गया। फोर्थ जो है वो है असिस्ट, असिस्ट हमने किस में करना है, उसको असिस्ट करना है सर्कुलेशन ठीक है। जब पैसिव मूवमेंट का एक ही गोल है कि हम उसके सर्कुलेशन में असिस्ट करें, वहाँ पे सर्कुलेशन होती रहे, बिकॉज मूवमेंट होगी तो वहाँ पे ब्लड आएगा, ब्लड फ्लो होगा तो वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस हमारा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है ये ए भी हो गया, देन हमारे पास एम आता है। इस एम में ना हम लोगों ने उसे मिनिमाइज करना है ठीक है, क्या मिनिमाइज करना है हमने, कॉन्ट्रैक्चर्स को। वहाँ पे अगर मूवमेंट नहीं होगी, इनएक्टिविटी होगी, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्चर को मिनिमाइज करने के लिए हम पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराते हैं। देन हमारे पास एक और एम आता है, इस एम से हम लोग क्या करेंगे, उसके मैकेनिकल इलास्टिसिटी जो है ना, वहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह हैं या कोई भी लिगामेंट्स हैं, कुछ भी हैं, उनकी मैकेनिकल इलास्टिसिटी मेंटेन रहे, क्योंकि जब हम मूवमेंट कराते रहेंगे तो मैकेनिकल इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे मैकेनिकल इलास्टिसिटी के लिए हम लोग पैसिव करा रहे हैं। नैन है हमारे पास ए आता है ठीक है, ए से फिर हम असिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम सर्कुलेशन को असिस्ट कर रहे थे, इस ए से हम लोग असिस्ट करेंगे उसको हीलिंग को ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन होगी तो वहाँ पे हीलिंग प्रॉपर होगी ठीक है, असिस्ट हो जाएगी हीलिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वन है एट, वो है हमारे पास डी, डी से हम लोग करेंगे उसका डिक्रीज पेन। पैसिव मूवमेंट कराई जाती है पेन को डिक्रीज करने के लिए, पैसिव वहाँ पे जॉइंट मूव करेगा तो पेन रिसेप्टर कम से कम होंगे, हीलिंग ब्लड सर्कुलेशन होगी तो पेन कम होगा। तो इसके ये थे हमारे पास गोल्स। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी यूजेज, अदर यूजेज ठीक है, इसके अलावा कोई और यूजेज हैं ठीक है, और यूजेज क्या हो सकते हैं इसके। या तो फर्स्ट हो सकता है हमारे पास ये कि थेरेपिस्ट ने एक्टिव ROM के लिए सिखाने के लिए, उसको टीच करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसिव करा देता है पहले, ताकि पैसिव कराएगा तो एक्टिव की असिस्टेंट हो जाएगी ठीक है, असिस्ट हो जाएंगी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में, उसे पता चल जाएगा कि किस तरह से करनी है। नेक्स्ट यूज़ आता है इसकी कि कोई भी आपका जॉइंट में इनर्ट स्ट्रक्चर हैं उनको चेक करने के लिए, जैसे लिगामेंट है, कैप्सूल्स हैं, तो उनके लिए
कोई भी स्ट्रक्चर्स एंड नेट स्ट्रक्चर्स, तो उनको उनकी कैपेसिटी को उनको चेक करने के लिए कि मूवमेंट क्यों रिस्ट्रिक्शन है, पैसिव करा सकते हैं। थर्ड है पैसिव स्ट्रेचिंग टेक्निक। पैसिव स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग करवाते हैं ना पैसिवली, जब स्ट्रेचिंग कराएंगे तो उसमें भी पैसिव रेंज ऑफ मोशन हो जाएगी पैसिव स्ट्रेचिंग में। ठीक है, ये हमारे पास थे अदर यूजेस। अब हम इसकी देखते हैं लिमिटेशंस। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? मसल में जो एट्रोफी हो रही होती है ना, उसको ये प्रिवेंट नहीं करता। पैसिव रेंज ऑफ मोशन जब कराते हैं ना, क्योंकि बिकॉज ये मसल की एक्टिव कंट्रैक्शन नहीं हो रही होती, तो मसल एट्रोफी जो है इसको प्रिवेंट नहीं करती ये पैसिव रेंज ऑफ मोशन। नेक्स्ट है जो इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज़ नहीं करती, क्योंकि रिजिस्टेड अगर हम कराएंगे तभी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी, या एक्टिव कराएंगे तब होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और जो सर्कुलेशन में असिस्ट कर रही थी ना, तो सर्कुलेशन भी एक लिमिटेड मतलब ड्यूरेशन के या लिमिटेड टाइम तक इसको सर्कुलेशन को असिस्ट करती हैं, लिमिटेशन है। ठीक है, जितना एक एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्ट करके सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करा सकता है, इतना ही एक पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराती हैं, इससे ज़्यादा नहीं करा सकती, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। सो यहाँ तक हमारी पैसिव रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, दैन उसकी टेक्निक सीखेंगे कि किस तरह से हम करा सकते हैं।